मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइल, राइट? Let me share the screen first. Can you see the PPT? Yeah. Okay. So I think we have discussed the types of file. Yes or no? यहाँ तक हमने discuss कर लिया था last class में. ये सब हो गया था ना बेटा? अभिलाष आस्था को बताएगा मेरे को, दीक्षा हाँ जी सुभांशी नहीं आई आज, आई तो है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, टाइप्स ऑफ फाइल तो हो गया था। चलिए, इफ यू नॉट इफ यू डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर नहीं भी होगा तो नॉट, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स। So the next topic is, yes, अब आपके पास types of file के बाद next topic आता है, हम कुछ tables discuss करेंगे कि क्या क्या tables हमारी maintain होती हैं for the files। मैम types of files है नहीं हुआ है तो फिर कहाँ तक हुआ है? बताओ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ फाइल नहीं हुआ है। ये हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं हुआ है मम्मी, ये भी नहीं हुआ है। बेटा कल आप क्लास में आए थे क्या? मैम मैं था। कल की क्लास में थे आप? यस मैम। कल आपकी दो क्लास नहीं थी? मैंने एक में तो मैंने आपका वो कराया था क्विज। यस मैम। सेकंड क्लास और मॉर्निंग में क्या कराया था? मॉर्निंग में क्या हुआ था बताओ जरा। हम ये नहीं हुआ है इतना पता है हमें। शुभांशी डू यू नो? मैम कल आपकी एक ही क्लास थी। यस मैम, कल लैब ही थी। यस मैम, लैब ही ली थी हमने, उसमें भी कुछ लिया था। हमारी क्लास में दूसरा लेक्चर नहीं लिया है कल। यस मैम। चल बेटा एक मिनट, एक क्यूज वाला हुआ है मैम बस। रुको 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 मैम, मैंने टाइम टेबल भी चेक कर लिया दोबारा कंफर्मेशन के लिए। एक मिनट रुको तो सही। अच्छा कल आपकी सिर्फ एक ही क्लास हुई थी? यस मैम। ठीक है एक मिनट, ठीक है ठीक है ओके। उसमें मैंने आपको क्विज कराया था है ना? यस मैम। चलो थोड़ा फाइल चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। यस मैम। फाइल चैप्टर में कुछ भी नहीं बताया मैंने। नो मैम। डिस्क शेड्यूल में कंप्लीट हो गया है ना? सारे एल्गोरिथम्स हो गए हमारे डिस्क शेड्यूलिंग के। यस मैम, ये तो हो गया। लॉजिकल फिजिकल फॉर्मेटिंग हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि फिजिकल फॉर्मेटिंग में वी आर डिवाइडिंग द डिस्क इनटू नंबर ऑफ प्लैटर्स एंड देन द प्लैटर्स आर सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड ट्रैक्स इनटू सेक्टर्स एंड दे आर सिलेंडर्स आल्सो।
ये हमारा फिजिकल फॉर्मेटिंग थी. लॉजिकल फॉर्मेटिंग इज हाउ वी आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन टू द डिस्क, दैट इज टू इम्प्लीमेंट इन द फाइल सिस्टम. चलिए नॉट टुडे विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर फाइल सिस्टम. अब मुझे एक बात बताओ, आज आपकी एक क्लास है ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट आपकी आज एक सिर्फ यही लैब है ना बस, कल दो क्लास है ठीक है, तो कल आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मेरे को सिर्फ फाइल के लिए मैक्स टू मैक्स दो लेक्चर चाहिए, तो उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. कल के बाद और भी कोई क्लास है क्या? शायद एक पड़ेगी, वो हम डाउट क्लास रख लेंगे. ओके मैम, ठीक है. चलिए नाउ फाइल सिस्टम. व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क, आपको कभी भी किसी स्टोरेज मीडिया पर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या फिर सेव करनी है, सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, सो फॉर दैट यू विल हैव टू मेक अ फाइल एंड यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क बाय यूजिंग द फाइल्स. क्योंकि आप देखोगे जब भी आपको कुछ डेटा स्टोर करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले उसको एक फाइल क्रिएट करते हो उसकी, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हो गई, पीपीटी हो गई, पीडीएफ हो गई, ऑब्जेक्ट फाइल हो गई, सोर्स फाइल हो गई, ऑल दीज फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क. सो व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन यू कैन स्टोर इट बाय यूजिंग द फाइल. ओके, सो बेसिकली फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द secondary storage. You cannot directly write the data on the secondary storage. If you want to write some data, you can write it by using the files. Okay? अब पता है कि आपका फाइल कैसे हो सकती है, आपका फाइल में कुछ डेटा भी हो सकता है और कोई प्रोग्राम भी हो सकता है. ठीक, जैसे कि सपोज कीजिए डेटा में आपका क्या क्या टाइप हो सकता है, एक मिनट रुको बेटा. हेलो, यस मैम, हाँ जी, तो इट कुड कंटेन सम डेटा और सम प्रोग्राम. डेटा में क्या हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, बाइनरी हो सकता है. ठीक है, न्यूमेरिक मींस इफ इट कंटेन सम नंबर्स देन इट विल बी न्यूमेरिक डेटा, इफ इट इज कंटेनिंग सम कैरेक्टर्स इट विल बी कैरेक्टर डेटा, एंड इफ इट इज containing some values like 0 or 1, valid data. Next is program. Program could be like a source program, source file, object file. That could be the program data. Next is file attributes. What are the file attributes that are associated with each file? First one is name. Okay, there will be a name of a file. Fine. If you want to search any file, if you want to traverse a file, then you will have to specify the name of that file. Then that file will be searched within the directory, and hence you will be able to open or read or write that file. Next is identifier. Identifier is suppose there is my identifier likha nahi hua hai, but there will be identifier which that is a unique tag. Okay, jo ki hamara suppose hume us file ki entry ko save karna hai kisi table mein. ठीक, तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे, उसकी एक आईडी होगी, उसके थ्रू हम उसको सेव करेंगे. दैट इज अ नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. फाइन, हमारा नेम जो होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है और जो आईडी होता है दैट इज नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. टाइप इज कि आप किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डॉक फाइल है, पीपीटी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, दैट इज अ टाइप ऑफ द फाइल. नेक्स्ट इज लोकेशन. लोकेशन मीन्स सपोज आपकी कि आपका जो फाइल है उसकी डिस्क पर वो किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, दैट इज लोकेशन. साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ योर फाइल. प्रोटेक्शन इज दैट व्हाट आर द यू नो व्हाट आर द एक्सेस राइट्स दैट इज प्रोवाइडेड टू द यूजर. सपोज आई वांट टू यू नो अलाउ द यूजर टू जस्ट रीड एंड राइट दैट फाइल, सो आई कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द यूजर सो दैट इट कैन नॉट वायलेट द एक्सेस परमिशंस. Next is time data, date and user identification. There will be the time, like when that file is created, when that file is last modified, date also, and user identification also. That means which user has modified that, that file, or which user has opened that file, which user is actually using that file right now. That is user identification. Okay, these are the file attributes which are associated with each file.
नेक्स्ट आता है आपका फाइल ऑपरेशंस. दीज आर वेरी बेसिक ऑपरेशन. एक्चुअली दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. आप जब पढ़ोगे इसको तो बहुत सी चीजें आपको पहले से पता होंगी. ठीक है, सो आई एम जस्ट यू नो आई विल जस्ट टेक वन और टू लेक्चर टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Next is file operations. These are some file operations which can perform on the file. First one is create. Suppose we want to create a file. First of all, we will have to make sure whether the enough space is present on the disk or not. If enough space is present, then we can create the file. Otherwise, we cannot create the file. Next is writing a file. Suppose you want to write some content into the file. So first of all, I will have to specify the name of the file and the information that is to be written on the file. Okay, so first of all, by using the name of the file which is given by the user, that file will be searched in the directory, and that if that file is present, then we can write the information into that file. Next is reading a file. If you want to read a file, you will have to specify the name of the file and where the next block of the file should be put. Okay, suppose I want to read the content, which is read the content, okay, like from 1 to 10. Okay, and current read pointer is at 1. ठीक, तो हमारा क्या होगा इससे, हम first of all, I will have to search that file which I want to read. Okay, if that file is present, then I can read that file. Okay, and there is a read pointer and write pointer which specifies the location from where our read and write operation will be started. Fine. Next is repositioning within a file. Suppose I want to, जैसे मैं बताया आप लोगों को, there is a read pointer and write pointer. जैसे wait, let me draw a diagram for this so that you will be able to understand. This is a disk, and my current read pointer is here in the file. ठीक, तो जब भी मुझे next read मेरा operation start होगा, तो मैं यहीं से read करना start करूँगी. और फिर जब मैं यहाँ से read करूँगी, suppose मैंने यहाँ तक read किया, तो मेरा current file read pointer कहाँ आ जाएगा, इस location पर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है read pointer आपका vary कर सकता है according to the operations performed on the file. Next is repositioning within a file. Suppose you want to move this cursor from this location to this location, that is repositioning within a file. Next is deleting a file. If you want to delete the file from the directory, then you will have to specify the name of that file, then that file will be deleted and the data which is associated with that file, okay, then that data will also be erased. Next is truncate. Suppose you just want to delete the content of the file, but you do not want to delete the entire file. Okay, that means you have just deleted the data which is present in that file, and that file is still present there, and its attributes are also present there in the directory. Open file, to open the file. Close file, that is to close the file which is used by the user. These are the file operations. इसके बाद हम आते हैं, दीज आर सम टाइप्स ऑफ फाइल. नेक्स्ट इज और भी आपके कॉमन ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपको अपेंड करना है कुछ डेटा. ठीक है, दैट इज अपेंड ऑपरेशन. सपोज यू वांट टू रीनेम अ फाइल, दैट इज रीनेमिंग. सपोज यू वांट टू कॉपी अ फाइल, दैट इज कॉपी ऑपरेशन. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टू मेंटेन द फाइल सिस्टम, व्हाट are the, you know, extra data structures which we have, which operating system has to maintain. Fine. So, हमारे तीन tables होती हैं इसके लिए. एक होती है आपकी open file table. Purposes table. System IT. ठीक है, these are three tables which are maintained by the operating system. First one is open file table. Open file table keeps a track of the files which are open. ठीक है, जो भी आपकी files open की गई हैं process के through, वो सारी files का data आपका कहाँ रहेगा, open file table में. Suppose a process has opened a file name पूजा. ठीक है, एक पूजा नाम की file है, उसको open किया है.
अब क्या होगा, उस फाइल की एंट्री हमारी ओपन फाइल टेबल में स्टोर हो जाएगी, दैट दिस फाइल हैज बीन ओपन्ड बाय दिस प्रोसेस. ठीक, नेक्स्ट इज पर प्रोसेस टेबल. अब बताती है कि ओपन फाइल टेबल में भी अगर सपोज जिस प्रोसेस ने उसको ओपन किया था वो प्रोसेस खुद ही टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब वो प्रोसेस जिस प्रोसेस ने उस फाइल को ओपन किया था अगर वो टर्मिनेट हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और वो ओपन फाइल टेबल से उसकी एंट्री डिलीट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज पर प्रोसेस टेबल. पर प्रोसेस टेबल इज मेंटेन्ड फॉर द ईच प्रोसेस. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे एक प्रोसेस P1 ने दो फाइल्स को ओपन किया है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, देन इन इट्स पर प्रोसेस टेबल टू एंट्रीज विल बी एडेड ऑफ ईच फाइल. ठीक है, सपोज P1 ने फाइल 1 और फाइल 2 को ओपन किया है, तो फाइल 1 और फाइल 2 की एंट्री आपकी पर प्रोसेस टेबल में स्टोर हो जाएगी, P1 की पर प्रोसेस टेबल में. अगर आपकी 6 प्रोसेस है तो आपकी 6 पर प्रोसेस टेबल होंगी फॉर ईच वन फॉर ईच प्रोसेस. ठीक, नेक्स्ट इज सिस्टम वाइड टेबल. सिस्टम वाइड टेबल में क्या होता है, वो आपके सिस्टम लेवल पर ये आपकी टेबल मेंटेन होती है, जिसके अंदर आपका फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन डिस्क, एक्सेस डेट्स क्या है, फाइल का साइज क्या है. ठीक है, तो अगर आपकी कोई किसी प्रोसेस ने फाइल को ओपन किया है तो सिस्टम वाइड टेबल में उस फाइल की एंट्री स्टोर हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज आपका ओपन फाइल टेबल में एक ओपन काउंट का वेरिएबल भी होता है विच इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच हैव ओपन्ड दैट फाइल. ठीक है, सपोज मेरे एक फाइल है फाइल 1, उसको 4 प्रोसेस ने ओपन किया है. ठीक है, तो उस फाइल के लिए ओपन काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. ठीक, और जब आप उस ओपन काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी जो भी उस फाइल की एंट्री होगी वो वहां से डिलीट हो जाएगी. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी फाइल के साथ होती है, तो फाइल का पॉइंटर होता है. ठीक है, जैसे रीड पॉइंटर, राइट पॉइंटर, और आपका नेक्स्ट इज फाइल ओपन काउंट भी होता है. ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कितने प्रोसेसेस ने उस फाइल को ओपन किया है. ठीक है, ओके मैम. नेक्स्ट इज डिस्क लोकेशन ऑफ द फाइल. ये हमारी फाइल कहाँ किस लोकेशन पर प्रेजेंट है. नेक्स्ट एक्सेस राइट्स, कि क्या क्या उसके एक्सेस राइट्स है. अब इसके बाद आती है हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द फाइल, हाउ वी कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू दैट फाइल. उसके लिए हम दो तरह, हम लॉक को यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज शेयर्ड लॉक, सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिव लॉक. शेयर्ड लॉक इज लाइक रीडर लॉक, कि एक टाइम पे हम मल्टीपल प्रोसेस को वो लॉक एक्वायर करने का अलाउ कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव लॉक इज लाइक राइटर लॉक, दैट मीन्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस उस लॉक को एक्वायर कर सकता है. अगर ऑलरेडी किसी प्रोसेस ने उस लॉक को एक्वायर कर रखा है तो कोई दूसरा प्रोसेस उस लॉक को एक्वायर नहीं कर सकता एट द सेम टाइम. और इसके अलावा हम मैंडेटरी और एडवाइजरी फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं, मैंडेटरी एंड एडवाइजरी. ठीक है, मैंडेटरी में क्या है, इट दिस लॉकिंग मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स श्योर द यू नो एक्सक्लूसिव लॉक इज प्रेजेंट एंड एक्सक्लूसिव लॉक इज एक्वायर्ड बाय द प्रोसेस व्हेनेवर द प्रोसेस वांट्स टू एक्सेस द फाइल. ठीक, और इसके बाद आपका एडवाइजरी में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑन द और द सॉफ्टवेयर दैट हाउ द लॉक मैकेनिज्म इज इम्प्लीमेंटेड. फाइन, कि प्रॉपरली लॉक हमारा एक्वायर कैसे हो रहा है, रिलीज कैसे हो रहा है. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द केस ऑफ एडवाइजरी लॉकिंग मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फिर टाइप्स ऑफ फाइल. तो आपका ये आपके टाइप्स हैं, देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना क्या है इसमें. कुछ भी नहीं है, टाइप्स ऑफ फाइल दे रखी हैं, उनका एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है. चलिए, नाउ क्या हो बेटा,
कुछ नहीं मैम, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट इज एक्सेस मेथड्स। देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड्स। फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल एक्सेस, सेकंड वन इज डायरेक्ट एक्सेस। फाइन, इन सीक्वेंशियल एक्सेस दैट मींस वी आर एक्सेसिंग द फाइल इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वन रिकॉर्ड फ्रॉम द अदर, देन सॉरी वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर रिकॉर्ड, इस तरीके से वन बाय वन, मतलब ठीक है। जैसे आप डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड एंड माय करंट पोजीशन इज एट दिस लोकेशन। ओके, दैट मींस माय पॉइंटर, फाइल पॉइंटर इज एट दिस लोकेशन। सो व्हेनेवर माय रीड ऑपरेशन इज इनवोक्ड देन दैट रीड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड फ्रॉम दिस लोकेशन। इस लोकेशन से हमारा रीड लोकेशन परफॉर्म होगा, मतलब कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट रीड स्टार्ट होगा, यहीं से हमारा नेक्स्ट राइट स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल। इसमें आपका रीड नेक्स्ट, मतलब अगर आपको नेक्स्ट पोर्शन को रीड करना है तो दैट फॉर दैट यू कैन यूज रीड नेक्स्ट ऑपरेशन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट राइट नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू अपेंड सम डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल देन यू कैन यूज राइट नेक्स्ट। एंड इफ यू वॉन्ट टू रीसेट द you know pointer's location, if you want to bring the pointer's location to the beginning of the file, you can implement this reset operation. And then no read after last write, that is rewrite, matlab ki agar aapne ek bar write kar diya hai to uske baad aap dobara se nahi read kar sakte us last content ko. Next is direct access. Mainly isme aapke yahi hai, read next, write next aur reset, theek hai, agar confuse mat hona. डायरेक्ट एक्सेस में क्या है, सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना है, सपोज आई वांट टू रीड द लोकेशन 59, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो रीड 59, सीधा आप 59 पे पहुंच जाएंगे, लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी डू इन दिस, अगर मुझे सपोज करो एक लोकेशन, एक ब्लॉक है जो कि 13 प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना है और एक जो है 50 प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना है, तो मुझे सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या लिखूंगी, रीड 13 एंड रीड 50, सीधा मैं उन लोकेशंस को एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। यस मैम, just 1 minute. नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें रिलेटिव ब्लॉक नंबर होता है, ठीक है, जिससे हमें इंडेक्स पता है। सपोज मेरी फाइल जो है 50 में प्रेजेंट है, ठीक है, और मुझे उसमें 10th लोकेशन को करना है एक्सेस, ठीक। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका बिगिनिंग जो एड्रेस होगा उसमें आप 10 ऐड करते हो ना, जैसे बेस और लिमिट बताया था मैंने आप लोगों को, वैसे ही यहाँ पर आपका रिलेटिव ब्लॉक नंबर होता है, ठीक है। चलिए ये आपके वो है सीक्वेंशियल एक्सेस में कैसे होता है, डायरेक्ट एक्सेस में क्या है, रीसेट, रीड नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट। इसमें क्या, आप डायरेक्ट लोकेशन स्पेसिफाई कर दो, कौन से लोकेशन को आपको रीड करना है, राइट करना है, आपको जो रीड पॉइंटर है फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय वन राइट पॉइंटर भी। एग्जाम्पल अगर अदर एक्सेस मेथड्स में आपका होता है इंडेक्स फाइल एंड रिलेटिव फाइल, मतलब इसमें क्या है आपका कि देयर विल बी अ इंडेक्स फाइल, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास सबके पास बुक होती है, उसमें एक इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में, हर एक चैप्टर के आगे लिखा होता है कि ये चैप्टर इस पेज पर है, आप सीधा क्या करते हो उस पेज को निकालते हो, उसमें आपको पूरा चैप्टर मिल जाता है, यस और नो। वैसे ही आपकी इंडेक्स फाइल और रिलेटिव फाइल होती है। अब आ जाइए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपका क्या है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पहले ये बताओ, नो मैम आप यहाँ तक सब मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ पढ़ा हुआ है पहले कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता कि आप तो आपको अभी तक कुछ ऐसा नया लगा होगा इसमें, इस चैप्टर में। यस मैम थोड़ा सा
मतलब काफी कुछ मैच कर रहा है. हाँ काफी कुछ मैच कर रहा है, कुछ न्यू टर्म्स सुनने को मिल रही होंगी बट कॉन्सेप्ट पता होगा सबका. यस मैम. चलिए नेक्स्ट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपका इसमें क्या है, जैसे कि वी हैव अ डिस्क. ओके सो वी कैन डिवाइड द डिस्क इनटू मिनी डिस्क जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरीज. जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में सी डायरेक्टरी होती है आपकी, डी होती है, ई होती है. यस और नो? सो वी कैन कॉल देम पार्टीशन, स्लाइसेस और मिनी डिस्क. फाइन. एंड वाई वी यू नो डिवाइड द डिस्क इनटू डायरेक्टरी सो दैट इट कुड बी एफिशिएंट फॉर द यूजर. ठीक. जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप एक ही डिस्क पर मतलब आप उसके पार्टीशन नहीं करोगे और उसी पर सारा डेटा रख लोगे तो ये यूजर के लिए डिफिकल्ट होगा नहीं होगा? अगर उसको कोई फाइल सर्च करनी है तो उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा, उसको अपनी फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी है उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा. यस और नो? मैम. यस मैम. ठीक. सो दैट्स व्हाई वी कैन डिवाइड द डिस्क इनटू नंबर ऑफ पार्टीशंस. देन in this here are few operations which we can perform. So it is a collection of notes containing information about all files. Basically a directory can contain multiple subdirectory or multiple files. Fine. Both the directory structure and the files reside on the disk. Backup of these two structures are kept on tapes. Next, typical file system organization. It is very simple, like there is a disk one, here is directory one, and here is another directory. That means we have made two partitions. And suppose I have two disks, and but still I have made a single directory, and that is a single partition, and I have stored all the files in this single directory. Next are operations. Suppose I want to search a file in the directory, main naam specify kar dungi, aur mujhe wo file mil jayegi. Agar wo file meri present hogi directory mein, to create a file. Aapko koi file create karni hai, to uske liye this operation is used. डिलीट अ फाइल, आपको कोई फाइल डिलीट करनी है जो कि आपके बाद में कोई यूज की नहीं है उसके लिए वी यूज दिस डिलीट अ फाइल ऑपरेशन. लिस्ट अ डायरेक्टरी, इफ यू वांट टू लिस्ट ऑल द फाइल्स दैट आर प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी यू कैन यूज दिस ऑपरेशन लिस्टिंग. रीनेम अ फाइल, इफ यू वांट टू रीनेम अ फाइल और यू कैन इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल देन यू कैन रीनेम दैट फाइल. ओके नेक्स्ट ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम. इफ यू वांट टू ट्रैवर्स द एंटायर फाइल सिस्टम, the structure of the file system, and if you want to save the content of the file system at regular intervals, then that is a traversing the file system. Pass to nahi ho raha hai. No ma'am. No ma'am, pass nahi. Next is why we organize the directory. For the efficiency, so that we can locate a file quickly. If you want to find a file, we be able to locate the file in in less time. Next is naming. Naming is, it will be convenient for the user. If you name the file, then it will be convenient for the user to search the file. Fine. And two users can have same name for different files. मतलब कि अगर मेरी एक पीडीएफ फाइल है, एक डॉक्यूमेंट फाइल है, तो मैं एक नाम से दोनों फाइल क्रिएट कर सकती हूँ, बट देयर एक्सटेंशंस मस्ट बी डिफरेंट. द सेम फाइल कैन हैव सेवरल डिफरेंट नेम्स. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स बाय प्रॉपर्टीज. जैसे कि अगर मेरी जावा प्रोग्राम की जितनी भी फाइल्स हैं वो मैं एक उसमें रख रही हूँ फोल्डर में, सारी पाइथन प्रोग्राम की जो भी मेरी फाइल्स हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स उनको मैं एक अलग फोल्डर में रख रही हूँ, दैट इज ग्रुपिंग. दीज आर मेथड्स एट हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द डायरेक्टरी. अब बातें हैं आपके डायरेक्टरी के टाइप्स. पहला आपका आता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी, नेक्स्ट इज टू लेवल, एंड इसको हम कल स्टार्ट करेंगे. अब सिंगल लेवल है, टू लेवल है, ट्री लेवल है, एसाइक्लिक है, ग्राफ बेस्ड डायरेक्टरी है, फिर आपका फाइल माउंटिंग है. ये आपका नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, एक आध लेक्चर इसमें होगा बस, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस. मैम जरा मैम नोट्स दे दे. वो तो ठीक है पर एक चीज एमओएस के नोट्स ले तुम. हाँ हाँ मैंने सुन लिया. शुभांशी. यस मैम. बेटा एक काम करना, तुम्हारे पास सिलेबस तो होगा ही ओएस का.
ओएस का सिलेबस। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलिए। सिलेबस सिलेबस हाँ है, सिलेबस है उसमें देख के मुझे बताना कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है। ओके ठीक है ओके। ऐसा कोई टॉपिक जो कि आपको लगता है कि वो नहीं बढ़ा है, और अगर कोई लगता है आपको डाउट तो एक दो बच्चे से वेरीफाई कर लेना, जो आपको लगता हो कि हाँ एक्टिव रहते हैं क्लास में उनसे वेरीफाई कर लेना कि नहीं कराया, और नहीं कराया तो मुझे एक साथ भेज देना। ठीक है, वैसे मुझे लगता है नहीं कोई टॉपिक रहा होगा, बट स्टिल अगर रहता है तो मुझे बता देना। ठीक है ओके मैम, चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। थैंक यू मैम। Mm-hmm.